نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته just to make a check if the voice is clear or not. सबसे पहले सबको खुश आमदीद और मेरी तरह से सबको सलाम प्यार. आई होप एवरीबडी कैन हेयर मी वेरी प्रॉपरली एंड तमाम अहले वतन को तमाम लोगों को मेरी तरफ से दिली मोहब्बत और बहुत सारा प्यार. और मेरे आज लाइव आने की एक ख़ास वजह यह है कि ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त था जब मेरे पास वो क्लैरिटी नहीं थी, ना मंजिल का पता था और ना रास्ते का तायुन था. और ये एक ऐसा वक्त होता है इंसान के ऊपर कि जिसको वही समझ सकता है जो गुज़र रहा होता है उससे, कि व्हेन यू डू नॉट नो कि मैंने जाना कहाँ है, मैंने किस डायरेक्शन में जाना है और मैंने किस रास्ते से जाना है. एक तो किस सिमत जाना है, किस रास्ते से जाना है. तो इसलिए बड़े सियाने लोग कह गए कि समटाइम्स पीपल आर वर्किंग हार्ड बट दे नॉट ड्रीमिंग द राइट वे. कभी कभी इंसान ख्वाब सही नहीं देख रहा होता, मेहनत बहुत कर रहा होता. तो इसी हवाले से मैंने कुछ गुजारिशात आज पेश करनी थी. जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनको टैग करें, सबको बुलाएं और मेरी बातों को बहुत गौर से सुने, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत फ़ायदा है. क्योंकि हम एक रास्ते से गुज़रे हैं और गुज़र रहे हैं एंड इट विल हेल्प यू टू फाइंड मिसिंग लिंक्स एंड आंसर्स टू क्वेश्चन. तो आज से 13, 14, 15 साल पहले पुरानी बात है ये. तो हर बंदा जो है ना एक अपनी फिलॉसफी पेश कर रहा था ज़िंदगी के हवाले से. हर बंदा एक अपना सोल्यूशन पेश कर रहा था ज़िंदगी के हवाले से. एवरीबडी हैड अ डिफरेंट पैकेज फॉर ह्यूमन माइंड. तो जब अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखाया और ये समझ दी इस रास्ते की, तो एट दैट टाइम मैं समझ नहीं पा रहा था कि हमारे मसाइल क्या हैं. एक तो मेरे ज़ाती मसाइल क्या हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्लाह से क्या चाहिए, मुझे लोगों से क्या चाहिए, मेरी मंजिल क्या है, मेरा मकसद क्या है. मैं मान चुका था कि ठीक है दुनिया मुझे कुछ दे नहीं सकती. मैं इसको कबूल कर चुका था कि ये दुनिया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको आप जितना कंज्यूम कर लें, इसको आप जितना भी कंज्यूम कर लें, ये आपको मज़ा नहीं दे सकती. ये इन्हीं का इकोनॉमिक्स का लॉ है. एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार इस दुनिया का एक खासा है कि इसने ड्रॉप हो जाना है इसका मज़ा. तो ये बात तो समझ में आ गई थी कि द वर्ल्ड के नॉट गिव मी व्हाट आई हैड बीन चेजिंग. मैं जिस चीज़ को समझता था कि ये मुझे एक्चुलाइज करेगी, ये मुझे वो परवान देगी, वो मुझे वो सुकून देगी, वो इत्मीनान देगी, वो तो मुझे समझ में आ गया था कि ये दुनिया नहीं है. बाहर भी गया, अमेरिका भी गया, यहाँ भी रहा, कभी यहाँ धक्के, कभी वहाँ मार, कभी इस कल्चर को अपना लिया, कभी फलां को अपना लिया, कभी उसकी बात सुन ली. कोई आइडेंटिटी क्राइसिस ऐसा उरूज पे था, ऐसा उरूज पे आइडेंटिटी क्राइसिस था कि मतलब पानी में रड़ती हुई झाग नहीं होती. फ़ैम्मा ज़बत फ़याज़ हबू जुफा, अल्लाह कुरान में कहते ना झाग नहीं होती. पानी उठा के यहाँ मारते हैं तो यहाँ होते हैं, यहाँ मारते हैं तो यहाँ होते हैं. तो ज़िंदगी कुछ ऐसी ही थी. और आज बहुत से लोगों की होगी इस तरह से, क्यों वो बेचारे अंदर से मासूम होंगे, अंदर से वल्ला ही मासूम होंगे लोग, मगर तरबियत, घर की अपब्रिंगिंग, हालात और नरिशमेंट जिस माहौल में हो चुकी होती है ना, इसमें ये ख़ानदानों को और घर वालों को बहुत हैवी प्राइस क़यामत के दिन पे करनी पड़ेगी, जिन्होंने बच्चों को सही आइडियोलॉजी और सही नज़रिया नहीं दिया, बच्चों को सही डायरेक्शन नहीं दी. और कहते हैं ना, अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहती है,
कि भाई 5-6 साल में बच्चे की पूरा माइंडसेट तैयार हो जाता है कि उसने आगे ज़िंदगी में करना क्या है। कुछ बलाएं ऐसी हैं जो आज तक हॉन्ट करती हैं एक इंसान को, आज तक हॉन्ट करती हैं कि उसने जो है ना, वो आज तक कितने साइकोपैथीज होंगी जो शायद हमारे साथ भी जुड़ी होंगी, किसी में डर होगा, किसी में फलां चीज़ होगी, किसी में ये होगा, किसी में वो होगा। बहरहाल तो जब इसका एंड पहुंचा ना और मैं वहां तक आ गया, अल्लाह मुझे लेके आया कि दुनिया में नहीं मिल सकता तुझे, तो दुनिया में कर ले जो भी करना है, दुनिया में नहीं मिलेगा तुझे। एंड दैट इज़ द टाइम एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग इन लाइफ, एंड दैट वॉज द टाइम जब मैंने ये सवाल उठाए भाई हल क्या है। मतलब ख़ानदान कुछ कहता है, बरादरियाँ कुछ कहती हैं, स्टेटस कुछ कहता है, मॉडर्निज्म कुछ डिमांड कर रहा है, कंपैशनिज्म कुछ डिमांड कर रहा है, पैशनिज्म कुछ और डिमांड कर रहा है, ट्रैंकुलिज्म कुछ और डिमांडें ही और हैं हमारे माशरे की। मैं पूरा कर करके थक गया हूँ, सुकून क्या है, हल क्या है, कैसे इंसान का कलेजा पूरा होगा, कैसे कैसे वो दुनिया के अंदर उसे फर्क ना पड़ता हो। मतलब आई वॉन्टेड अ लाइफ जिसमें फर्क ना पड़ता हो भाई, मुझे कोई फर्क ना पड़ता हो लोगों की सोच से, लोगों की बातों से, माशरे की माइंडसेट से। मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं थक गया हूं लोगों को पूरा कर करके। तो कोई हल समझ ही नहीं आ रहा था। बाहर गए, आप अंदाजा लगे मुझे परदेश में जाके नहीं समझ में आई बात। परदेश में जाके भी मेरा कलेजा कह रहा था कि भाई ठीक है, जिस माहौल में मैं हूं ये उसका थोड़ा हायर वर्जन है, लेकिन ये सुकून तो नहीं है, सुकून नहीं था। एक चीज का मजा आता था वो खत्म हो जाता था। फरारी में बैठ के कितने दिन आप मजे कर लेंगे, मतलब कितना खींच लेगा आदमी, अच्छे अच्छे ब्रांड्स पहन के कितना खींच लेगा एक आदमी, हाउ फार कैन यू पुल ऑल दिस ऑफ। तो बहरहाल अल्लाह ने जब मुझे ये आयत समझ में आई ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ए इंसान और ए जिनो, सूरह ज़ारियात आयत नंबर 54, नहीं बनाया मैंने तुम्हें, वमा खलक़तु, मा खलक़तु, नहीं बनाया मैंने तुम्हें, ना तुम्हारे लिए ना किसी और के लिए, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें डिज़ाइन किया है, तुम्हें स्ट्रक्चर किया है, तुम्हें तख्लीक किया है, तुम्हें प्रोग्राम किया है, सिर्फ और सिर्फ कि तू मुझे पहचान और फिर सबमिट कर दे मुझे, मुझे उस सबमिशन का नाम है इबादत। खलास, ये इसकी इस जुमले में कोई ये फिलॉसफी है हमारी कि मुझे दे दे अपना अपना दिल, अपना जिस्म, अपनी सोच, अपना मिजाज, अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात, अपने एहसासात, मुझे दे दे। अल्लाह कह रहा है ये मुझे दे दे। जब तू ये मुझे देगा ना, तो मैं इसको 1,000 गुना बढ़ा के तुझे वो दूंगा जो तू तलाश कर रहा है। तू लोगों की दहलीजों पे जाके दे दे, नहीं मिलेगा तुझे। तू लोगों की दहलीजों पे जाके रगड़ ले अपने आप को, नहीं मिलेगा तुझे। तू ये माल मता मटीरियलिज्म को दे दे जाके, नहीं मिलेगा तुझे। तू मुझे दे दे, मैं तुझे फलसफा बना दूंगा इस कायनात का। मैं तुझे वो दे दूंगा कि तुझे मार भी नहीं सकेंगे। ये वो बच्चा नहीं था असाबुल हुदूद वाला, वो बादशाह ने उस पर 3 अटेम्प्ट्स की थी कत्ल की, सूरे बुरूज का जो वाक्य, बस वो एक चीज़ पढ़ता था, अल्लाह अक्फिनी ही बेमा शेखता, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी हो जा, तू काफ़ी हो जा बस। खलास, बादशाह की 3 अटेम्प्ट्स फेल हो गई उसे कत्ल करनी। तो इंसान को इंसान मार ही नहीं सकता, अल्लाह मारता है इंसान को, यही व यूमीत, बंदा नहीं मार सकता, ये गोलियां नहीं मार सकती, अल्लाह फैसला करेगा तो बंदा मरेगा, बंदा नहीं मर सकता इस तरीके से। तो ये जब हमें बेस मिली ना, तो तब हमारी तलाश का सफर शुरू हुआ। तो उस वक्त मुझे एक आदमी ने, जब मेरा इस तरफ रुझान हुआ, तो
तो मैंने देखा कि अल्लाह ताला भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ मसलक फ़िरकों और दुकानों पे अब अपने अपने अपना अपना हर किसी ने सिस्टम खोला हुआ है। और कन्फ्यूजन और बढ़ गई मेरी आने के बाद कि भाई इस रास्ते से जाना है मैंने, इस रास्ते से जाना है मैंने, या इस रास्ते से जाना है मैंने। कोई भाई मुझे जिहाद की दावत दे रहे हैं और अजीम तरीन काम है वो, बगैर जिहाद किए या उसकी नीयत किए वे दुनिया से फौत होना मुनाफे की मौत है। एक कह रहा कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुमसे बड़ी अच्छी कोई उम्मत निकाली नहीं गई, तामरूना बिल मारूफ पता नहुना निल मुनकर, तुम तो बने हो कि तुम लोगों को नेकी की दावत दो, बुराई से रोको। तो आप बाहर निकले, उखरिजत उखरिजत से मुराद है घर से निकलना, आप घर से निकले, आप तबलीग पे जाएं। एक पार्टी हमारी कह रही है जी खिलाफत मूवमेंट होनी चाहिए, सिस्टम के इस्लाम का असल फलसफा सिस्टम को रिफॉर्म करने का नाम है पॉलिटिकल डायनामिक्स। एक पार्टी कह रही है भाई फितने का दौर है, ज़्यादा एंगेज ही नहीं हो आप लोगों के साथ, अपना अपना करो, ना किसी का छेड़ो, ना अपना पूछो, ना अपना छेड़ो, ना किसी को सवाल करो। मुख्तलिफ किस्म की बातें। और वहाँ मुझे एक बड़े ही अजीम शख्स ने कहा कि क्या समझ में आ रहा है आपको, उम्मत मुस्लिमा, दीन, मज़हब, स्पिरिचुअलिटी, सुकून, कैसे करेंगे आप इस, क्या लग रहा है आपको, क्या करना है आपने। मैंने कहा भाई जो हमें आजकल माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा जोर है ना वो है, वो इनकलाब पर जोर है। इनकलाब आना चाहिए सर, दुनिया में एक इनकलाब आना चाहिए और वो इस्लामिक इनकलाब होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कैसे आएगा। मैंने कहा सर जो अभी तक ज़्यादा जिस पर जोर है वो तो लड़के कह रहे हैं जी लड़के आएगा। उन्होंने मुझे कहा बेटा पढ़ के आएगा। मैंने कहा सर पढ़ के आएगा, पर क्या ऐसा पढ़ना है जिसके थ्रू हम अपने हालात बदल सकते हैं, सर क्या ऐसा पढ़ना है जिसके थ्रू मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकता हूँ, सर क्या पढ़ना है जिसके थ्रू मुझे अल्लाह मिल जाए। बस मैं चाह रहा था सर हमें अल्लाह मिल जाएगा ना तो ये दुनिया की हवस ख़त्म हो जाए, बस अल्लाह मिल जाए इंसान। उन्होंने मुझे फिर वो रास्ता बताया, वो रास्ता जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो था ये मदरसे के अंदर आलिम के कोर्स का रास्ता। उन्होंने कहा था अगर तूने दुनिया में बड़ी बलाओं से लड़ना है ना, अपने अंदर की और बाहर की, तुम्हें दीन की सबसे इन डेप्थ तालीम हासिल करनी चाहिए, दीन की सबसे गहरी जड़ों में जाके तुम्हें अपना इल्म मजबूत करना है, क्योंकि शैतान ख्वाहिशात पर हमला तब करता है जब वो शक शुबहात देने के अंदर नाकाम हो जाए। जब तुम्हारा इल्म मजबूत होगा ना तो तुम्हें चक्कर देना शैतान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इफ यू वॉन्ट, और शैतान पहले आइडियोलॉजिकली मारेगा आपको, तुम्हारा नफ्स तुम्हारे खिलाफ इंटेलेक्चुअली दलाइल ढूंढ के लेके आएगा, तुम्हारा नफ्स तुम्हें परसेप्शनली गिरा देगा पहले ख्वाहिशात के ऊपर, तो वहां से भी लेके आएगा, लेकिन इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बंदे को हजरत उमर की वो हदीस है ना रदी अल्लाह ताला अन्हु के, जिस जगह से वो गुजरते हैं वहां से शैतान आड़े पैर भाग जाता है। तो पहले मैं समझता था वो फिजिकली भागता है, वो फिजिकली भी भागता है लेकिन वो मेंटली और इंटेलेक्चुअली भाग जाता है, क्योंकि हजरत उमर जैसी शख्सियत को पता होता था कि इसकी जड़ें क्या हैं, इसकी बुनियाद क्या है, इसके उसूल क्या है इंसान पे हमला करने के। तो उस वक्त उनके ईमान नया था, जज्बा बहुत ज़्यादा था और उसूल बहुत कम थे, तो अल्लाह के करम से हम सब की इज्जत करते हुए मदरसे गए और हमने मारे खाई, मेहनत की और कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज वो एक सुकून, वो जो हालांकि बहुत हालात ख़राब हैं उम्मत के, बहुत हालात ख़राब हैं, लेकिन वो जो क्लैर उस सुकून उस क्लैरिटी में है ना भाई, ये है डायरेक्शन, ये है प्रिंसिपल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की एंड तक की बातें हमें बता दी हैं। क्या इस दौर को एड्रेस नहीं किया होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या इस दौर से निकलने के लिए माइंडसेट नहीं दिया होगा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्रिंसिपल्स नहीं दिए होंगे कि उम्मत को इन हालात में क्या करना होगा, और जब सब अपना अपना एक्सट्रैक्ट करेंगे तब क्या करना होगा। तो वो है उलमा को पकड़ना, अहले इल्म से जुड़ के रहना,
अहले इल्म हमसे ना भी जुड़ें, उलमा से जुड़ के रहें, क्योंकि उनके पास टेक्स्ट बुक के स्ट्रक्चर की सबसे ओरिजिनल कॉपी है। ये याद रखिएगा, उन्होंने वो डेप्थ के अंदर वो चीज़ें हासिल की हैं कि अल्लाह ने उनके इल्म में वो बरकत रखी है कि अगर वो गलत भी जा रहे होंगे ना, उनका इल्म, अगर वो उनका भी इल्म बर्बाद हो सकता है, एक आलिम दीन भी राह रास्त से हट सकता है, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स वो इतने ज़्यादा इंडॉक्ट्रिनड होते हैं शरीयत के साथ कि आदमी जो है ना वो संभल जाता है, उसे पता हो रहा होता है कि ये मैं फितने की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं नफ्स परस्ती पे जा रहा हूँ, यहाँ मैं अपनी दो इंट की बना रहा हूँ, यहाँ मैं अपना मसलक प्रमोट कर रहा हूँ, यहाँ मैं फ़िरके वारियत फैला रहा हूँ, यहाँ मैं तशद्दुद में जा रहा हूँ, यहाँ मैं एक्सट्रीमिज्म का शिकार हो रहा हूँ। वो इल्म जो है ना वो ग्राउंड्स हैं, वो बेसिक्स हैं उसकी। इसको लेके जब मैं मदरसे गया ना, अब क्योंकि हम तो मगरबी तालीम में डूबे हुए थे, हमारी ज़ुबान, हमारा लहजा, हमारी इस्तलाहात, हमारे जारगन्स सब वेस्टर्न एजुकेशन से के साथ ब्लेंडेड थे। तो वहाँ पर जब हम मदरसे में गए तो वहाँ तो इस्तलाहात चल रही थी, प्योर ठेस देसी इस्तलाहात थी और प्योर ठोस अरबी की इस्तलाहात थी, आता ही कुछ समझ नहीं था। तो उन वक्तों में जब हम मेहनतें कर रहे थे तो मैंने एक ख्वाब देखा, एक विजन बनाया कि हार्वर्ड का ग्रेजुएट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो टॉप है मगरिब की, वो मदरसे नहीं गया, और मदरसे का इंस्टीट्यूट, मदरसे वाले जो हैं वो इनकी अप्रोच को साथ लेके आगे बढ़ने में थोड़े से कमज़ोर रहे हैं। अगरचे इंटेलेक्चुअलिज्म के लिहाज से एक मदरसे के आलिम को बीट करना आसान नहीं होता। एंड दैट वॉज द टाइम, एंड दैट वॉज द टाइम जब मैंने ये महसूस किया कि सोने के हरूफ से लिखने वाला इल्म, सोने के हरूफ में तोलने वाला इल्म, समंदरों और पहाड़ों को अपने अंदर समोया हुआ वो इल्म जो इन मदारिस के अंदर है, वो इल्म जिससे हमने तीन बड़े आज़मों पर राज किया, वो इल्म जिसने इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम ताऊस, इमाम हसन बसरी, इमाम द ग्रेट नेम्स, द जाइंट्स ऑफ द इस्लामिक एम्पायर जिन्होंने क्रिएट किए, ये वो इल्म था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसके उसूल थे, उसमें अरबी थी, तफक्कुर करने के उसूल थे, नफ्स पे पॉन्डर करने के उसूल थे, जंगी उसूल थे, उसके अंदर जुरिसप्रूडेंस थी, फिका थी, कैसे जाते हैं कुरान हदीस के, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है, या डेफिनेट बात की है या इनडेफिनेट बात की है अल्लाह ने, अल्लाह की मुराद तक पहुंचने के लिए आपको प्रिंसिपल्स चाहिए कुरान और हदीस को खोलने के लिए। और जो लोग भी उम्मत के साथ इनसिंसियर हैं वो सबसे पहले हमला उलमा पे करेंगे। जो लोग उम्मत के खैर खाएं हैं वो उनकी हज़ार गलतियों के बाद भी, जो बेसिक टॉर्च बेरर है ना एक आलिम, वो उसको नहीं उड़ाएगा कभी भी। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि जो लोग बेसिकली चेक करने का क्राइटेरिया है कि जो लोग मुखलिस होंगे ना वो उलमा का खैर बयान करेंगे, और जो लोग खाइन होंगे वो उलमा का गंद बयान करेंगे। ये सूल याद रखिएगा, क्योंकि चाबियां इनके पास हैं उस वही को डिकोड करने की। तो मैंने एक कोर्स उस वक्त डिजाइन किया कि यार मैं इस 8 साल के दरस निज़ामी को, जिसमें हम 54 किताबें और एक लेवल का करिकुलम है, लेवल का, बाहर भी पढ़े, यहाँ भी टॉप यूनिवर्सिटियों में पढ़े, लेकिन लेवल का करिकुलम है जो एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, इसको अंग्रेजी में लाऊं, इसको छोटा किया जाए, एक हायर लेवल का आलिम अगर नहीं भी तैयार होता तो एक ब्रिज तो बनाया जाए ना, कि उसको ट्रांसलेट और ट्रांजिट कराने वाला एक 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 टॉर्च बेरर क्रिएट किया जाए, मुख्तलिफ माइक्रो लीडरशिप्स क्रिएट की जाए। और लीडरशिप बगैर इल्म के नहीं आएगी, ये कुरान की दलील है कि इमामत और क्यादत और लीडरशिप इल्म के बगैर नहीं आती, और वही के इल्म के बगैर तो आप दुनिया पे कैसे राज करेंगे। अल्लाह कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरा, कितने ही कम ग्रो नंबर्स में लोग थे वो बड़ी बड़ी सल्तनतों पे गालिब हो गए बेइज़्निल्लाह। कैसे गालिब हुए थे मुसलमान दुनिया में? इल्म था, ये वही का इल्म था उनके अंदर।
ये वही का डॉक्ट्रिन था उनके अंदर। वो जानते थे शरीयत का मिजाज क्या, कैसे चलती है अल्लाह की शर, अल्लाह की मुराद का मैकेनिज्म कैसे चलता है, ये उनके अंदर रचा बसा हुआ था, जिसके तहत उन्होंने मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया को पैरों के नीचे ले आए। वो क्योंकि उनके अंदर मैथमेटिक्स भी थी, सुपर नेचुरल मैथ्स भी थी। आज जो लोग सिर्फ दुनिया को, दुनिया की मैथ्स और फिलॉसफी को लेके चल रहे हैं ना, और वो डिवाइन डॉक्ट्रिन को इग्नोर करेंगे, तो भाईजान आप देख लें, आप स्ट्रेस से ही मर जाएंगे। तो बहरहाल बात का खुलासा कलाम यह है कि हमने फिर एक कोर्स बनाया सफ़ा के नाम से 12 साल पहले, 10 साल पहले, और मैंने उसको बनाने के अंदर क्या क्या मारे नहीं खाए कि भाई कैसे इसको छोटा किया जाए, इतना किया जाए कि एक शौक़ पैदा हो जाए। पहले था एक शौक़ पैदा हो जाए, फिर था कि मैं बड़े हलकों से लोग तैयार करके सिस्टम में वापस इंजेक्ट करूं, हर तबके के आदमी के अंदर इतनी बेस हो कि वो इस कुरान और हदीस से अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना के ना अपनी जगह पे सर्व कर दे। अगर वो HRM में है, अगर वो पॉलिटिकल साइंसेस में है, अगर वो साइंसदान है, अगर वो मैथमेटिशियन है, अगर वो स्पीकर है, अगर वो पॉलिटिशियन है, अगर वो वेलफेयर वर्कर है, तो उसे पता हो अपने महल के अंदर कुरान और हदीस से कैसे डेरिवेटिव्स निकालने, कैसे इस्तदलाल करना, और वो वहाँ पर उस डॉक्ट्रिन की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कराए कि देखें जी ये कहता है अल्लाह यहाँ पर। इसके लिए हमने आज से 10 साल पहले लॉन्च किया, और आज वो 19 से 20 बैचेस उससे ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो आज मेरी टीम ने मुझे फिर से कहा कि आप निद्रार के पेज पर आएं और लोगों से अपील करें फिर से, जैसे आप हर साल करते हैं, आएं और पहले सेमेस्टर में रजिस्टर करें। फॉल कौन सा चल रहा है, ये फॉल 2000 स्प्रिंग 2021 स्प्रिंग 2022 दिसंबर 10 तारीख से, राइट, 10 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है, जिसके अंदर हम आपको एक फ्रेमवर्क देंगे कि भाई सोचते कैसे हैं अल्लाह के कॉन्सेप्ट के लिहाज से। लोग सोच रहे हैं आजकल, सेल्फ स्टडी करें, लेकिन उनके फ्रेम्स नहीं बने हुए, और फ्रेमलेस थिंकिंग जो होती है ना, वो बड़ी बर्बाद थिंकिंग होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो क्लैरिटी आपके माइंड में आए, आप अपने आप को समझें, अपने नफ्स को समझें, अपने मिशन को समझें, अपने विजन को समझें, अपनी मंजिल को समझें, अपने पर्पस को समझें, और डेप्थ को समझें, चीज़ों को हैंडल करने के लिहाज से डाइवर्सिटी और तनवों को समझें, तो आपको जो है वो अल्लाह ताला ऐसे राह खोलेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज के सफ़ा का जो कोर्स है, जो आलिम का कोर्स है, जो एग्जीक्यूटिव कोर्स है, सेमेस्टर सिस्टम वाइज है, वीकेंड बेसिस पे है, ऑनलाइन है। पहले हम इसे 4 दिन चलाते थे, 2 घंटे एक दिन के अंदर वीक डेज में, फिर ये 5 दिन पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 3 में गया, फिर 2 में गया, और फिर ये अब फिर वीकेंड पे आया। और ये कोरोना का खैर ये था कि हम तो आते ही नहीं थे ऑनलाइन, हम तो ऑनलाइन आते ही नहीं थे, ये कोरोना की वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस की। तो फिर अब हम पूरी दुनिया के अंदर माशाल्लाह 400 से ऊपर रजिस्ट्रेशन थी, 400-500 से ऊपर रजिस्ट्रेशन थी पिछले सेमेस्टर में, 578 जी। तो अब तो आप लोगों के लिए इतनी फैसिलिटी है कि ये सारे प्रिंसिपल्स हम आपको आप ही की जुबान में, आप ही के अंदाज में, आप ही की समझ के लिहाज से उसको इतना हमने पढ़ा लिया और ग्राइंड कर लिया है कि आप यू कैन अचीव ऑल दिस। और आपको आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ते हुए आपको वो साइंस समझ आना शुरू हो जाएगी कि अल्लाह ने यहाँ ये बात क्यों की है, अल्लाह ने बात ये बात क्यों की है। तो जॉइन दिस कोर्स एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट कोर्स। और फिर से ये एक नया सेमेस्टर शुरू होने वाला है सफ़ा का, और इसकी रजिस्ट्रेशन भी है यहाँ पर। जो लोग टीम के लोग बैठे हैं यहाँ पर, प्लीज़ शेयर द रजिस्ट्रेशन विद एवरीबडी ओवर हेयर। आई एम टेलिंग यू, मैं भी पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर, मैं एक कोर्स पढ़ाता हूँ उसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड क्रीड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकीदा, कि अकीदा बेसिक आइडियोलॉजी मुसलमान की क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि जी कौन सी वो वैल्यूज़ हैं इस्लाम की जो कोर वैल्यूज़ हैं, और कौन सी वो वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट टू रिसर्च हो सकती हैं या नहीं हो सकती, कौन सी वो हैं जो बिल्कुल नहीं हिलती, कौन सी वो हैं जिसके अंदर इश्तेहाद हो सकता है। तो पहले तो हम उसकी बात, मैं वो पढ़ाता हूँ उसमें, उलूहियत क्या होती है, अकीदा क्या होता है, अल्लाह मुजमल ईमान क्या होता है, ईमान की डेफिनेशन क्या, क्या ईमान सिर्फ मोहब्बत का नाम है,
क्या ईमान खौफ का नाम है या क्या ईमान सिर्फ उम्मीद का नाम है? अल ईमान बैन अल हुब व रजा वल खौफ, ये तीनों के इम्तिजाज के साथ ईमान बनता है। तो ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट करके एक पिलर खड़ा करता है इस्लाम बंदे की परसेप्शनल आइडियोलॉजी में? और इस्लाम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, इस्लाम आया क्यों था? यूएन के अंदर प्रेजेंट करना हो तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप उनको? तो उसके लिए क्या मेथडोलॉजी होगी? इस्लाम के मैक्रोस क्या हैं, इस्लाम के माइक्रोस क्या हैं, माइक्रोस मैक्रोस के साथ रब्त में कैसे हैं, जुज़ और कुल का इम्तिजाज क्या है? तो जो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर एक स्पिरिचुअल डोमेन के साथ और उनको हिट भी लग गई, किक भी लग गई और अब आ भी चुके हैं, तो मज़ीद फ्यूल आपको इल्म से मिलेगा, इल्म से मिलेगा मज़ीद फ्यूल, मज़ीद जंग आपको इल्म से मिलेगी, मज़ीद आपको स्ट्रैटेजीज इल्म से मिलेंगी, मज़ीद दरवाजे आपके लिए इल्म से खुलेंगे। आप कहीं से भी पढ़ें, बट राइट नाउ दिस इज़ द कोर्स, दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू टू ज्वाइन दिस ASAP। और अभी इस बैच की रजिस्ट्रेशन चल रही है, इसकी मार्केटिंग भी चल रही है, और इसके लिए दूसरी बात है कुछ लोग कोर्सेज और फीस भी है। क्यों जी? क्योंकि एक तो हमने क्योंकि इतना तजर्बा किया ना, लोगों की सीरियसनेस को रखने के लिए भी पैसे रखे हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि भाई दुनिया जहाँ की तालीमात के ऊपर पैसा लगाया जाता है, हाँ जा करके जब एक इस्लाम आता है ना, तो इसको हम एक ऐसा वो हल्का ले लेते हैं, इसको इसके पढ़ाने वाले को भी हम हल्का ले लेते हैं, और हम इसकी और इसको हम कहते हैं कि नहीं यार ये तो NG है क्या, इसको तो मतलब इट डजेंट मैटर। बाकी कोर्सेज की तो उसकी तकरीम बढ़ाने के लिए भी हमने फीस रखी है। और दूसरी बात ये है कि इससे चैरिटी का काम चलता है, ऑर्गेनाइजेशन के और एक्सपेंसेस चलते हैं इसके साथ। तो दिस इज़ व्हाट द होल पैकेज इज़। हमें चाहता था कि लोगों को हम उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लें। हम कमज़ोर बच्चे को तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम माइंड्स ब्रेन्स को दें वो चीज़ जो वैसे ही ब्रेन्स हैं, वो आए मैदान के अंदर, उनको पता हो कि जो है वो तफसीर क्या होती है, एग्जेजिस क्या होती है, उनको ये पता हो कि जुरिसप्रूडेंस क्या होती है, फतवे के उसूल क्या होते हैं, फतवे में वेरिएशन के क्या उसूल होते हैं, उनको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई नहीं करते, कहाँ जनरल बात हो रही है, कहाँ स्पेसिफिक बात की जाती है। ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता होंगी भाईजान, आप गलतियाँ करेंगे और आप ऐसों के पीछे भी लग जाएंगे जिन्हें खुद भी कुछ नहीं आता होगा, और आपके पास कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं होंगे मोहब्बत के, प्रिंसिपल्स ही नहीं होंगे एक्सेप्टेबिलिटी के, प्रिंसिपल्स नहीं होंगे मुनाजरे के, प्रिंसिपल ही नहीं होंगे अगले को रिफ्यूट करने के, प्रिंसिपल्स नहीं होंगे अगले को एक्सेप्ट करने के, प्रिंसिपल्स ही नहीं होंगे अगले से जंग करने के, आपके पास प्रिंसिपल्स ही नहीं होंगे इंकलाब के, आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं होंगे सेल्फ मैनेजमेंट के। ये आपको बताएगा कि हाउ डू यू हैव टू स्ट्रक्चर क्या है जिसके तहत मैंने वो इमारत खड़ी करनी है, स्ट्रक्चर क्या, इल्म के बगैर वो स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो सकता। तो 8 साल, 9600 घंटे, 7 किताबें, 7 घंटे एक दिन के अंदर, और जो है वो 8 साल की मार खाना जिनके लिए मुश्किल है, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आपको उसका एक चंक मिल रहा है जिससे आप अपने हलके के अंदर इस्लामिक डॉक्ट्रिन को स्टैब्लिश करा सकते हैं माइंडसेट्स के अंदर कि भाई जान दिस इज़ द मेन डील, ये है असल चीज़ जिसको इस्टेब्लिश होना चाहिए था। तो कौन सी ऐसी बात वेस्टर्न, अब देखें हम भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल और कोचिंग में क्यों इस चीज़ को लेके आए, हालांकि था तो मैं दरस निज़ामी का आदमी, कि भाई हम ये साबित करना चाहते थे, ये लाइफ कोचिंग का नाम आपने जो वैसे आ रहा है सेल्फ हेल्प के कॉन्सेप्ट, ये तो सारा इस्लाम के अंदर है, तस्किया नफ, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, ये तो सब इस्लाम हमेशा से बोलता आ रहा है। तो 35-45%, बल्कि तस्किया नफ तो इस्लाम की 60% स्पिरिट है, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता था कि वो अपना जो है ना मामला जो है वो आगे से, वो इंसान के प्रिंसिपल्स और परसेप्शंस चलते ही सिर्फ इस बेसिस के ऊपर है कि उसकी तस्किया नफ उसकी स्ट्रांग हो। तो ये तो सारे उसूल थे, तो हम इनकलकेट कराना चाहते थे इन चीज़ों को कि भाई जान ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे पास मौजूद हैं, जो लोग इसको अफोर्ड नहीं भी कर सकते कोई मसला नहीं है, मैं एंड में स्कॉलरशिप्स रखता हूँ, हम सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते भाई जान ये, तो मिदराज जो है वो स्कॉलरशिप्स भी देता है, बट देर इज़ अ मेजर क्राइटेरिया जो इसलिए मीटअप होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जी हम चाहते हैं कि ये एक बड़ी एकेडेमिया के अंदर डेवलप हो, और ऑब्वियसली इसके साथ जो है उसमें असातज़ा हैं, इसमें टीचर्स हैं, आप हमने इसमें टीचर्स भी रखे हैं, बड़े काबिल टीचर्स रखे हैं, फिर वो दुनिया और दीन दोनों का इम्तिजाज पेश कर सकते हैं, लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, फिर उनकी जो
एजुकेशनल मेथडोलॉजी है वो बहुत मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पलीफिकेशन के साथ स्टैब्लिश्ड है और वो जदीद कदीम का भी इम्तिजाज दे रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है दीज टीचर्स डिजर्व टू बी पेड। हम नहीं चाहेंगे कि जो है कोई इतनी खदमात अपनी पेश करे और वो सर्व ना किया जाए, तो ऑब्वियसली हमारे इदारे को उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनके मामला देखने पड़ते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि नीयत करें, इरादा करें और इसके लिए कदम बढ़ाएं, और इल्म हासिल करने के लिए वो इल्म का मज़ा नहीं है जिसमें सफ़र ना करना पड़े, वो इल्म का मज़ा नहीं है जिसमें लोटा ना उठाना पड़े असातज़ा का, वो इल्म का मज़ा नहीं है जिसमें पैरों में छाले ना पड़ जाएं। तो अगर घर घर बैठे आपको ये फैसिलिटेशंस मिल रही हैं, टेक द ईज़, इस आसानी को कबूल करें, इसमें रजिस्टर करें, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक सेमेस्टर के बाद अगर नहीं समझ में आता तो टेक द बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर, आपका दिमाग की कुंडियाँ खुल जाएंगी कि भाई ये किस किस लेवल पे बात चल रही है यहाँ पर। तो जो लोग अभी इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे टीम के लोग बैठे हुए हैं, जिन जिन लोगों के मैसेजेस हैं, हमारी टीम आपको खुद ही अप्रोच भी कर लेगी, प्लीज़ हेल्प द पीपल, प्लीज़ एक्सप्लेन द होल प्रोसेस टू देम, प्लीज़ एक्सप्लेन देम, समझाएं लोगों को जी कि क्या इसकी डायनामिक्स हैं, कितने साल का है, अगले सालों में क्या होगा, किस तरह होगा, नोट्स कैसे होंगे, क्लास लेक्चर्स कैसे होंगी, स्लाइड शोज कैसे होंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी लोगों को नहीं मिलेंगी, टाइम फिक्सेशन के क्या उसूल हैं, क्लास में सवाल जवाब के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन किया जाए। मैं तो सिर्फ आपको मोटिवेट करने आया था कि जो क्लैरिटी है ना ज़िंदगी की, वो आपको दीन के उस इन डेप्थ इल्म से मिलेगी, वो ये जज्बाती लेक्चरों में नहीं मिल सकती, वो ये जीत के सफ़र से नहीं मिलेगी आपको। जीत का सफ़र ये किक है आपको वापस लाने के लिए जहां आप डूब चुके हैं, मगर आगे जाने के लिए यू हैव टू गेट नॉलेज, यू हैव टू हैव नॉलेज। और अल्लाह भी फरमाता है कुरान हदीस में, मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह किसी के साथ अगर खैर खाई चाहे ना, वो सब पैसा दौलत माल बच्चे औलाद सोशल कन्फॉर्मिटी नहीं देता, जो फ़क्केह फिद्दीन, उसे दीन की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दे देता है। वेलकम टू द फैमिली ऑफ अल मिदरार इंस्टीट्यूट, आई एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, मैं एक तिफले मकतब होने की हैसियत से आप सबको दावत देता हूँ, आए पढ़ें, हमारी फैमिली हमारी फैकल्टीज़ का हिस्सा बने और हमारे साथ ही काम करें। फिर आगे हम ही आपको एवेन्यूज़ प्रोवाइड करेंगे कि कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और फिर आपको चेंज दिखेगा जब ग्रिप होगी ना आपकी कंटेंट के ऊपर, फिर आपको दिखेगा काम कैसे किया जाता है। कई सुनी बात में जो गलतियाँ थी वो सब मेरी थी, जो हक बयान किया वो कल भी अल्लाह का था, अल्लाह के बंदों का था। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير واحسن الجزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته।